हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो आप मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो दूल्हा है, दूल्हे को कैसे तैयार किया जाता है और किस तरह से जो दूल्हे का सेहरा है वो लगाया जाता है हमारे यहाँ पहाड़ी कल्चर के हिसाब से, और जो विधि विधान से पूजा पाठ होता है वो मैं सब आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए ब्लॉग एंड तक दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए सीधा चलता हूँ, मैं ले चलता हूँ आपको सीधा दूल्हे के पास और दूल्हे का आप गेटअप दिखाता हूँ और उसके बाद ये देखिए दूल्हे राजा रेडी हो चुके हैं विद शेरवानी के साथ। एक बार लुक तो दिखा दे यार, खड़ो लुक दिखा दे। नीचे से जो लुक है इनका कुछ इस तरह से है। अभी सेहरा नहीं सजाया गया है। सेहरा कितने बजे लगेगा? 8 बजे? 8 बजे के बाद कभी भी, तो 8 बजे के बाद सेहरा लगेगा, उसके बाद ही बिल्कुल फिट हो जाएगा पूरी तरह से। आप देख सकते हो मेहंदी, मेहंदी दिखा दे जरा मेहंदी। ये मेहंदी डल चुकी है, काफी खूबसूरत। तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। शादी का लड्डू बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। शादी का लड्डू बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो अब दोस्तों चलेगा पूजा पाठ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दूल्हा राजा वो शेरवानी पहन के बिल्कुल पंडित जी के पास बैठ चुके हैं और अभी पंडित जी जो तागा है वो सभी के हाथों में बांध दिया जाएगा और साथ में पूजा पाठ चल रहा है और मंत्र मंत्र बोलते हुए धागा को बांध दिया जाता है। आप देख सकते हो ये हमारे जो पहाड़ी कल्चर है हमारे यहाँ का, वो कुछ इस तरह से है। आप देखते रहिए दोस्तों, इंजॉय करते रहिए। अब देख सकते हो अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो दूल्हे का जो सेहरा है उसको अब निकाल दिया है पंडित जी ने। आप देख सकते हो थोड़ा सा उसको धूप बत्ती दे दी है और अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दूल्हे को सेहरा पहनाया जाएगा। आप देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। जो अब मेरी मम्मी उठ चुके हैं और मेरी मम्मी का हाथ इसमें लगा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों जो शुभ लगन था वो मम्मी के नाम का था, तो इसलिए मम्मी ने अपने हाथ लगाते हुए जो सेहरा है वो अब मामा को सौंप दिया है। अब मामा जी इस सेहरे को दूल्हे के सर पे लगाएंगे। तो आप देखते रहिए, ये मामा जी जिनके हाथ में सेहरा पकड़ा हुआ है, ये है दोस्तों दूल्हे के मामा। और आप देख सकते हो अब दूल्हे के मामा सेहरा को प्यार से बिल्कुल पहनाएंगे। आप देखते रहिए पूरे विधि विधान से, जैसे होता है हमारे यहाँ कल्चर वैसे ही आपको दिखाया जाएगा। आप देख सकते हो अब दूल्हे के जो मामा है वो सेहरा को पहना रहे हैं। आप देख सकते हो लगते हुए वीडियो ऑन ही नहीं कर रही। हाँ, आपको बहुत मारा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेहरा है उसको लगा दिया जा रहा है। अब देख सकते हो ये दोस्तों मामा के द्वारा ही लगाया जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाहर जो झालर है वो लगा रहे हैं। अब देख सकते हो उसको बांध दिया गया है।
अब पीछे से उसको बांधा जा रहा है अच्छी तरीके से ताकि वो निकले ना, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है कि जब एक बार जो दूल्हे का सेहरा है वो लग जाता है तो उसके बाद उसको आप ज़्यादा हिला नहीं सकते, मतलब निकलना नहीं चाहिए। तो आपके यहाँ भी शायद होता होगा बट मुझे पता नहीं है, पर हमारे यहाँ तो ऐसा है। आज आप देखते रहिए दोस्तों, अब ये इसमें एक सेल होता है और उसको लगा दिया गया है और थोड़ा सा अब लाइटिंग चला दी गई है थोड़ी देर के लिए। तो अब्दुल्ला की जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि आज शादी है भाई की और तो दुल्ला यहां से जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब देखो तो दोस्तों यहां पे जो हमारी प्रात है वो जाने के लिए तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। ये देखिए आप, और बाहर ना एकदम बारिश ही बारिश हो रखी है, आप देख सकते हो, मतलब छतरी पकड़ रखी है जीजू ने और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, देख सकते हो आप। और जो दूल्हा है वो भी बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए और यहाँ से निकल चुके हैं हम डांस करते हुए, आप देख सकते हो बहुत ही गजब का गजब डांस का, मिलते हैं कुछ ही देर। Oh, cool.
दोस्तों अब यहाँ से बरात निकल चुकी है, आप देख सकते हो बरात के मेंबर। नहीं को, ये भी मैं बोल रहे आप, ये भी मैं करना है। ये देखिए बहुत बड़े बरात वाले, काफी बड़े बड़े डेस्टिनेशन हो गया। और इधर रात क्या नाम है, राकेश हो गया। फ्रंट का व्यू दिखा, मेरे भैया उसमें बहुत उसमें सैया। और सैया का मार्केट आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय नाश्ता होगा और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए कल कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं विकास नगर। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सीधा देहरादून से, और सीधा मिलूंगा बारात के साथ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।